असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शांति शांति शांति। ऋषि दयानंद, महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नर रत्नों को उत्पन्न करने वाले गुजरात क्षेत्र का सुंदर नगर वडोदरा। वडोदरा यानी पवित्र वट वृक्षों से शोभित क्षेत्र। इसके आसपास भी अनेक रमणीक स्थल हैं। पावन नर्मदा तट पर नारेश्वर क्षेत्र से देश भर में शिवलिंग भेजे जाते थे। यहां के प्रख्यात शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर भगवान शिव की आकृतियां उभरी हुई हैं। इसी के पास गायत्री शक्ति पीठ बनाई गई है। कायावरोहण तीर्थ में महर्षि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास किया था। वडोदरा के दूसरे ओर स्थित है कृष्ण भक्त बोड़ाना का साधना स्थल डाकोर। वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद उनके प्रशंसक थे। दादा भाई नौरोजी उनके दीवान रहे थे। श्री अरविंद उनके यहां शिक्षक एवं दीवान के रूप में रहे। जिस भवन में श्री अरविंद रहे थे वो आज अरविंद आश्रम के रूप में स्थित है। डॉक्टर राधाकृष्णन उनके यहां विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, अस्पताल, न्याय मंदिर आदि आज भी दर्शनीय है। भारतीय संस्कृति के विकास के लिए उन्होंने ओरिएंटल इंस्टीट्यूट स्थापित किया था, जहां कर्मकांड सभी वर्ण के मेधावी छात्रों को सिखाया जाता था। वडोदरा क्षेत्र के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, अश्वमेध महायज्ञ। वैसे क्षेत्र के लिए अश्वमेध कोई अनहोनी घटना नहीं है। निकट ही ध्वारण है, जो कि पुराना धर्मारण्य स्थल है, जहां भगवान श्री राम ने 10 अश्वमेध संपन्न किए थे। उनसे पहले श्रृंग ऋषि के तेजस्वी पुत्र महर्षि धौम्य ने अश्वमेध किया था, किंतु आज उसकी क्या संगति है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे करेगा कौन, तरह तरह के प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के लहरों से जूझ रही है विजया। विजया एक जागरूक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है। अपने राष्ट्र से उसे गहरा लगाव है, किंतु वो मानती है कि हमें पश्चिम से स्वच्छता, समय की पाबंदी, अनुशासन, शिष्टाचार, श्रम के प्रति निष्ठा जैसे गुण सीखने चाहिए। वो आस्थावान है, किंतु धर्म के मिथ्या आडंबरों, रूढ़िवादिता
और कुरीतियों से उसे चिढ़ है। वो उनका खंडन इतने पैनेपन से करती है कि लोग उसे नास्तिक समझने लगते हैं। लेकिन एक निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में उसे प्रतिष्ठा प्राप्त है। अश्वमेध को लेकर विजया के मन में भी उथल पुथल चल रही है। वो इसे एक मिथ्या आडंबर मानती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्यों विपुल, फिर शुरू हो गए? वैसे तो तुम बहुत समझदार बनते हो, पर अपना हित नहीं समझते। अरे अक्सर तुम्हें खांसी हो जाती है, और डॉक्टर ने भी तुम्हें स्मोकिंग से मना किया है ना? क्या करूं दीदी, वैसे तो दिमाग से सब समझता हूँ, पर यह कमबख्त मन ही नहीं मानता। विपुल तुम नहीं सुधरोगे। छोड़िए इन सब बातों को। अरे हाँ, वो तुम्हारी अश्वमेध की रिपोर्टिंग का क्या हुआ? मैं वही जा रही हूँ। देखो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, चलो। दीदी तुम्हें मालूम नहीं है, पूरे शहर में यज्ञ की बातें हो रही हैं। अश्वमेध तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सच्ची राहें खोजना है यदि तो साहस दिखलाना होगा, छोड़ रूढ़ियाँ या मन मर्जी, छोड़ रूढ़ियाँ या मन मर्जी, सदविवेक अपनाना होगा। सदविवेक अपनाना होगा। सच्ची राहें खोजना है यदि। हमें तो बैठे बैठे खूब मसाला मिल जाएगा। विपुल हमें मसाला नहीं देना, हमें सत्य जानना है। बड़ोदरा गायत्री के पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के बड़े बड़े चित्र लगे हैं, स्वागत द्वार सजे हैं। लोग अचंभित हैं कि यह उत्साह कहां से फूट पड़ा। अश्वमेध के लिए उदारता पूर्वक भूमि देकर गायकवाड़ राज परिवार ने अपनी उसी गरिमामय परंपरा का अनुपालन किया। वंदनीय माताजी का शुभागमन हो गया। राज परिवार ने श्रीमंत राजमाता शांता देवी और महाराजा महारानी परिजनों सहित उनकी अगवानी की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सहयज्ञाः प्रजाः श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः। प्रजापति ने यज्ञ के सहयोग से प्रजा की सृष्टि की। तुम लोग
यज्ञ का विस्तार करना और यज्ञ तुम्हारी उचित कामनाओं को पूरा करता रहेगा। राजा वा यज्ञानां यदश्वमेधः। अश्वमेध यज्ञों का राजा है। अश्वमेध एक महान आध्यात्मिक प्रयोग है। वर्तमान समय में मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए और भारत को समर्थ सशक्त आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए अश्वमेधिक यज्ञ श्रृंखला चलाई जा रही है। ये श्रृंखला योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के दिव्य संरक्षण में योग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संचालित है। इस श्रृंखला के अंतर्गत अब तक भारत में जयपुर, भिलाई, गुना, भुवनेश्वर और लखनऊ के तथा विदेशों में ब्रिस्टल, टोरंटो और लॉस एंजलस के अश्वमेध अनुष्ठान शानदार ढंग से संपन्न हो चुके हैं। अश्वमेध यज्ञ पहले ऋषिगण स्वयं करते थे, बाद में वो राज सहयोग से संपन्न किया जाने लगा था। राजा पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व अश्वमेध अनुष्ठान संपन्न किया था। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पातंजलि इसके आचार्य थे। पुष्यमित्र के बाद छठी शताब्दी में गुप्त वंश के द्वितीय सम्राट समुद्रगुप्त ने अश्वमेध अनुष्ठान संपन्न किया था। इतिहासकारों के अनुसार इन अश्वमेध यज्ञों के परिणाम इतने सुखद और मांगलिक रहे कि गुप्तकाल भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से विख्यात हुआ। अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत् प्रतिषेधः। अध्वर यज्ञ का नाम है जिसका अर्थ है हिंसा रहित कर्म। अश्वमेध का तात्पर्य घोड़े की बलि देने वाला यज्ञ नहीं लगाया जाना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राष्ट्रम वा अश्वमेधः वीर्यम वा अश्वः। पराक्रम ही अश्व है। राष्ट्र का अच्छी तरह संचालन ही अश्वमेध है। भारत में राष्ट्र सदैव से एक सांस्कृतिक इकाई है। राष्ट्र उपास्य है, ईष्ट है। सैकड़ों राज्यों, विभिन्न उपासना पद्धतियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न वेशभूषाओं के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र रहा है। भारत भूमि निर्जीव भूखंड नहीं है, एक चेतन सत्ता है। स्वर्गादपि गरीयसी है। सांस्कृतिक भावना हर भारतीय के रगों में रक्त की तरह प्रवाहित है।
भीड़ तो काफी सारी जमा हुई है और लोगों में उत्साह भी खूब दिख रहा है। हाँ, उत्साह? अरे विपुल, इसे अंधश्रद्धा कहो, अंधश्रद्धा। भगवान जाने कब ये अंधश्रद्धा जाएगी और कब इन लोगों में प्रगतिशील उत्साह आएगा। हाँ दीदी, वो दिन जब आएगा तब आएगा। अभी तो देखना ये है कि ये सारे लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पर। अगर इन लोगों को कुछ करना होता ना, तो बहुत कुछ कर सकते थे। अनपढ़ों को पढ़ा सकते थे, गरीबों को कमाई की नई दिशाएं दिखा सकते थे। इन सब आडंबरों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, समझे? हाँ, लेकिन यहाँ पर तो पढ़े लिखे सभी लोग भी दिख रहे हैं। पढ़े लिखे लोग क्या भटकते नहीं? विपुल, ब्लैक मार्केटिंग, गुंडागर्दी, स्मगलिंग, इन सब में पढ़े लिखे लोग भी तो होते हैं। अरे आप तो एकदम क्रांतिकारी मूड में आ गई। भाषण बंद करिए और चलिए, यहाँ किसी से पूछते हैं ये सब लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं। मैं जानती हूँ ये लोग जवाब क्या देंगे। कोई कहेगा धर्म का काम है, कोई कहेगा स्वर्ग मिलेगा, और कोई कहेगा ये सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। विपुल, इसके पीछे छुपी सच्चाई को हमें ढूंढना है और हम ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो किसी से पूछते हैं। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सुनिए, मैंने आपकी सभी बातें सुनी है, बड़े अच्छे संकल्प है आपके। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? ओह ऑफ कोर्स, ये है विजया दीदी, नया प्रकाश की संवाददाता। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। और मैं विपुल पाचक, इनका सहयोगी। और आप? मेरा नाम अविनाश है, अविनाश मेहता। मैं IBCL में प्लांट इंजीनियर हूँ और यहाँ संसेवक रूप में काम भी कर रहा हूँ। आप एक इंजीनियर होकर यहाँ कैसे फंस गए? अभी अभी आप लोग बात कर रहे थे कि सत्य को समाज के सामने उजागर करना आप लोगों का काम है। आप बता सकते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्या जनता सुखी हो सकी? गांधी जी के सपनों का क्या हुआ? योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनती हैं, पर उसका कुछ भी लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाता? इसके पीछे क्या कारण है ये जानने की इच्छा आप दोनों की नहीं होती क्या? भाई, ये तो सभी जानते हैं कि इसका कारण भ्रष्टाचार ही है। दुष्ट कर्मों की कहानी देख लो, सब छापते हैं किंतु चलने योग्य पथ को खोजने में कांपते हैं। मानवता के पथ पर चलने का साहस बेचाना होगा, सब विवेक अपनाना होगा। सच्ची राहें खोजना है यदि। गायत्री परिवार के सदस्य श्री अविनाश जी ने दोनों पत्रकारों का मिशन के स्वयंसेवक भाई और बहनों से परिचय करवाया और शोभा यात्रा में आने के लिए निमंत्रण दिया। दीदी, आज के प्रोग्राम में शोभा यात्रा है, हम भी चलेंगे। देखो भाई विपुल, ये शोभा यात्रा, भीड़ भाड़, हो हल्ला, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करो ना, तुम खुद ही चले जाओ और तुम रिपोर्ट बना लो ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अश्वमेध का अश्व शक्ति और गतिशीलता का प्रतीक, सुंदर अश्व सृजन सैनिकों को उल्लसित कर रहा है। अनुशासित विशाल जुलूस चल पड़ा। वंदनीय माता जी के लिए नौका के रूप में भव्य वाहन सजाया गया है। इस जुलूस में एक अनोखापन है, अनुशासन है। गीत हो या नारे, सभी नवनिर्माण के
उज्जवल भविष्य का संदेश दे रहे हैं। ऋषियों के तप से अश्वमेध आया, माँ की कृपा से अश्वमेध आया, अश्वमेध का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। अश्वमेध का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। सज्जन सैनिकों के उल्लास का प्रभाव कहे या दैवी सत्ता की प्रेरणा, नगरवासी भी उल्लास के सागर में हिलोरे ले रहे हैं। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए, अनुदान अनमोल पालो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। अश्वमेध का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। फ्लाइट क्लब के यान फूल बरसा रहे हैं। मार्ग के दोनों ओर मकानों पर नर नारी हर्षित चकित होकर ये दृश्य देख रहे हैं। वंदनीय माता जी के प्रति परिचित अपरिचित सभी को इतना अपनत्व क्यों उभर रहा है? जिन्हें पता है वे जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए संकल्प किया था, साथ ही जीवन भर प्रखरता प्रसादना की थी। वंदनीय माता जी उनके साथ दो शरीर एक प्राण बन कर रही है, वशिष्ठ के साथ अरुंधति की तरह। देव शक्तियां उमड़ रही हैं, देव शक्तियां उमड़ रही हैं, असुर शक्तियां भाग रही हैं, असुर शक्तियां भाग रही हैं, धरती को स्वर्ग बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। अश्वमेध का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। उनके सहज वेश के पीछे मातृत्व का इतना विशाल सागर लहरा रहा है जिसकी थोड़ी अनुभूति होते ही बरबस मुख से निकल पड़ता है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दीदी। आओ बैठो। अच्छा भाई बताओ कल का तमाशा कैसा रहा? अरे तुम सिर्फ मुस्कुराओगे या कुछ बताओगे भी? वो बताने का दृश्य नहीं था, देखने का था। अच्छा। उसकी भव्यता और दिव्यता, सुव्यवस्था और अनुशासन, ऐसा लगता था अनुशासित सैनिकों की सेना मानो पूरे बड़ौदा शहर में छा गई हो। क्या कर रहे थे वे? एक तरफ आशावाद का स्वर गूंज रहा था तो दूसरी ओर आसुरी वृत्तियों को चुनौती दी जा रही थी। हाँ, वहां वहां नई दिशा देने वाली झांकियां थी जो झांकने वालों के मन में लहर पैदा कर रही थी। हाँ, सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, प्रेम और सद्भाव का प्रत्यक्ष दर्शन था वहां। मुझे लगता है तुम्हारे मन पर इसका बहुत गहरा असर हुआ है। दीदी, 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था और हाँ, लोग वहाँ नारे भी लगा रहे थे। ओ, जीतेगा भी जीतेगा। ऐसे नारे नहीं, ऐसे नारे तो हमने आज तक नहीं सुने। हाँ,
मन को झकझोरने वाले नारे। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं भी भागीदार बन जाऊं, उनसे जुड़ जाऊं। अच्छा, ये तो बताओ, इसमें केवल पुरुष ही पुरुष थे क्या? महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कई गुणी थी। अच्छा, उन दृश्यों को याद करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विपुल, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि मैंने सचमुच एक मौका गवाया है। दीदी, आज ये मौका मत गवाना, आज यज्ञशाला में विशेष आयोजन है। अच्छा, चलो चलते हैं। वातावरण का निर्माण यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन है। पवित्र वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण दिव्य कंपन उत्पन्न करता है। अश्वमेध का पौरोहित्य ब्राह्मण करे, ये कथन सर्वथा उचित है। पर ब्राह्मण कौन? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। अर्थात वर्ण का आधार गुण कर्म है, न कि जन्म। ब्राह्मणत्व साधनात्मक जीवन का उत्कर्ष है। इसे संपन्न करके ही धीवर कन्या के पुत्र व्यास, दासी इतरा के पुत्र इतरेय ब्राह्मण बने। क्षत्रिय विश्वामित्र अपनी तप साधना से न केवल ब्राह्मण बने बल्कि गायत्री महामंत्र के प्रथम दृष्टा होने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। इसी तरह नाई कुल में पैदा होकर महर्षि मातंग ने ऋषित्व अर्जित किया। भागवतकार ने ब्राह्मणत्व की एक परिभाषा दी है, ब्राह्मणस्य देहोयम् क्षुद्रकामायनेष्यते। अर्थात ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। जो लोक सेवा में तपे, तप साधना में अपने को गलाए, वही ब्राह्मण है। पूज्य गुरुदेव द्वारा गढ़े ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा अश्वमेध की वर्तमान श्रृंखला का पौरोहित्य किया जा रहा है, भले ही उनकी जन्म जाति कुछ भी क्यों न हो। बुद्धि संगत गर कोई यदि धर्म का पथ दिखलाता है, बुद्धि संगत गर कोई यदि धर्म का पथ दिखलाता है और उसके अनुसरण का भाव मन में जगाता है, तो सहयोग जुटा कर उसका मंजिल तक पहुंचाना होगा। सदैव विवेक अपनाना होगा, सदैव विवेक अपनाना होगा। सच्ची राह खोजना है यदि तो साहस दिखलाना होगा, छोड़ रूढ़ियां या मन मर्जी, छोड़ रूढ़ियां या मन मर्जी, सदविवेक अपनाना होगा। आचार्य ऋत्विक शास्त्रीय ढंग से लय तालबद्ध मंत्र पाठ और प्रेरणाप्रद भाव भरी व्याख्याओं ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर लिया। स्थापित करते हैं यज्ञशाला के अतिरिक्त सभी प्रतीक्षालयों में तथा आसपास के क्षेत्र में बैठकर नर नारी इस दिव्य प्रयोग का आनंद लेते रहे।
आचार गाए ने प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा सामान्य आग को यज्ञाग्नि देवाग्नि बनाने का कार्य अधर्व्यो होता उद्गाता जैसे विशिष्ट याजकों की श्रद्धा संकल्प शक्ति करती है। आपनो भारत देश समस्त पृथ्वी नो श्रोमणी राष्ट्र बनसे मारी शुभकामनाओं तथा आशीर्वाद साथे हूँ अश्वमेध यज्ञना शुभारंभनी घोषणा करूँ छू। मंडलम दीप्ति करम विचारम रत्ना प्रभम तीव्रमनादि। लेकिन बहन जी ये पूजा पाठ मंत्रोच्चारण करने से क्या भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? नहीं भाई साहब, ये पूजा पाठ तो दैनिक मानसिक व्यायाम मात्र है जिससे आत्मा परिष्कार होता है। परम पूज्य गुरुदेव का तो कहना है कि ईश्वर कुछ और नहीं बल्कि सद्गुणों का समुच्चय मात्र है। उन्होंने कहा है कि उपासना साधना और आराधना के माध्यम से ही सद्गुणों को अपने अंदर धारण किया जा सकता है और वही है ईश्वर प्राप्ति। नवंबर की 26 तारीख ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ। लोग प्रवचनशाला में भारी संख्या में उपस्थित हुए। प्रेरक संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। लागी रे लगन ओ मां एक तारा नाम नी। लागी रे लगन ओ मां एक तारा नाम नी। एक तारा नाम नी मां एक तारा नाम नी। ओ, 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 एक तारा नाम नी मां एक तारा नाम नी। लागी रे लगन ओ मां एक तारा नाम नी। लागी रे लगन ओ मां एक तारा नाम नी। भटकी भटकी थाकी गयो जीवड़ो। भव भव माँ भटकी भटकी थाकी गयो जीवड़ो। दया करी मन को दीदो प्रगटा दीवड़ो। दया करी मन को दीदो प्रगटा दीवड़ो। लागी रे लगन ओ मां एक तारा नाम ने। लागी रे लगन ओ मां एक तारा नाम ने। प्रेरक संगीत के बाद विश्व गायत्री अभियान के संयोजक और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक
डॉक्टर प्रणव पांड्या ने परिजनों को संबोधित किया। बड़ोदरावासी, हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब भगवान हमसे कुछ मांगने के लिए हमारे पीछे पीछे चलता है, और ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। कभी कभी लाखों वर्षों में ऐसा मौका आता है जब भगवान ये कहता है कि तुम्हारा थोड़े दिन का पुरुषार्थ, थोड़े दिन की तुम्हारी मेहनत मुझे बहुत कुछ दे देगी। तो मित्रों, उसकी हजार गुना लाख गुना होने की संभावना रहती है, चाहे अभी तुरंत घाटा दिखाई पड़ता हो। गुजरात भावनाशीलों का प्रांत है, गुजरात वल्लभ भाई पटेल का प्रांत है, गुजरात मूल शंकर का प्रांत है, जो स्वामी दयानंद बनकर सारे विश्व भर में जिन्होंने धर्म ध्वजा फहराई और आर्य समाज की स्थापना की। गुजरात वो प्रांत है जहाँ से अनेक संप्रदाय पैदा हुए और जिन्होंने धर्म धारणा को घर घर पहुँचाने में बहुत बड़ा काम किया। अश्वमेध यज्ञ आखिर क्यों, और आज की परिस्थितियों में इसकी सामयिकता क्या है? आज जब समाज में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, लोगों को खाने को नहीं मिलता, परेशानी है, दुख है, भूकंप आते हैं, महामारियां आती हैं, फिर ऐसे में मन में ये आ जाता है कि अश्वमेध शा माटे, किस लिए, क्यों? अश्वमेध एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समूह के मन को जगाया जाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यदि हम सब के मन एक साथ जागकर भगवान की सत्ता के साथ मिलने का प्रयास करें, तो जो वैचारिक क्रांति का जो सूत्रपात करने के लिए ऋषि चेतना इस समय तैयार बैठी है, वो हरेक के मनों में एक तांत्रिक प्रयोग करने के लिए तैयार है, और वो तांत्रिक प्रयोग जब होगा तो व्यक्ति के मन बदल जाएंगे। और एक व्यक्ति के नहीं, जितने बैठे हैं उनके नहीं, बल्कि इनसे जो ऊर्जा निकलेगी उससे करोड़ों व्यक्तियों के मनों को बदलने का काम, सूक्ष्म जगत के प्रदूषण को दूर करने का काम, घुटन जो देवात्माओं को और हम जैसे, आप जैसे जितने भी धर्मपरायण व्यक्ति हैं, उन लोगों को होती रहती है सतत, कि समाज को कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा। जलाराम ने सदगृहस्थ बन अक्षय झोली पाई, जीवन अर्पित करके उनने अपनी आन निभाई। जलाराम ने सदगृहस्थ बन अक्षय झोली पाई, जीवन अर्पित करके उनने अपनी आन निभाई। विप्र सुदामा नरसी मेहता या बोडाना जैसे, संतों की इस परिपाटी को भूल गए तुम कैसे। विप्र सुदामा नरसी मेहता या बोडाना जैसे, संतों की परिपाटी को भूल गए तुम कैसे। संत शहीदों के निर्माता क्यों सौभाग्य भुलाया, अपने गौरव का ध्वज तुमने हर युग में फहराया, हर युग में फहराया। संत शहीदों के निर्माता क्यों सौभाग्य भुलाया, अपने गौरव का ध्वज तुमने हर युग में फहराया, हर युग में फहराया। जागो हे गुजरात वासियों, अश्वमेध है आया, अश्वमेध है आया, जागो हे गुजरात। गायत्री मंत्र साथ साथ बोले, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्रांत बड़ा भावनाशील है, उदार है, और इसके अंदर श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है। तभी गुरुजी ने गुजरात को अपना बेटा माना, और हमने भी अपना बच्चा आपको बड़ा माना। हमने कहा कि आपको शक्तिपीठें बनानी हैं, तो सारे गुजरात में शक्तिपीठें बनती हुई चली गई गुरुजी के एक इशारे पर। तो एक से एक शक्तिपीठ में कैसी भव्यता और प्राणवान मुझे नजर आई देखने में, कैसा प्राण है उसके अंदर,
क्यों है ये प्राण? आपने विचार किया होता तो आपके समझ में एक ही बात आई होती कि इसमें गुरु जी की तपश्चर्या और उनका इसमें श्रम, आपका श्रम और आपका पसीना और आपकी भावना है और गुरु जी की प्रेरणा और उनके तप की शक्ति, उसमें जो प्राण आया, मैं हर शक्तिपीठ में गई और मैंने जो भव्यता और वहाँ के प्राण देखे तो मैं पुलकित होने लगी। कल से वाकायदे यज्ञ शुरू हो जाएगा, आज तो कर्मकांड हुआ, यहाँ की स्थापना, अग्नि स्थापना हुई, कल से ये शुरू हो जाएगा। जिसमें भाग लेंगे उनको लाभ मिलेगा और जो इसकी परिक्रमा करेंगे उनको भी लाभ मिलेगा, आपको खूब मिलेगा, खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। यज्ञ यथावत प्रारंभ हुआ। यज्ञ निमित्त साधकों की पंक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। विशाल जन समुद्र का दर्शन मात्र ही किसी आस्थावान के हृदय में विराट पुरुष के प्रति आस्था को और प्रगाढ़ बनाता गया। अनास्थावान तो इस विराट आयोजन को देखकर अपने विश्वासों के प्रति शंका करने लगे। मध्ययुग से लेकर आज तक महिलाओं के पवित्र कार्य में भागीदारी के बारे में वाद विवाद होता रहा है। ऋग्वेद में नारियों के यज्ञ कराने के अधिकार को स्वीकारते हुए कहा गया है, वशिनी त्वं विदथ मा वदासे। तुम साधिकार विदथ में वक्तृता दोगी। विदथ का यज्ञों के साथ गहरा संबंध था और इसका संचालन महिलाएं ही किया करती थी। इस युग में अश्वमेध जन जन की पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख पत्रकारों से मीटिंग हॉल भर गया। सार्थक प्रश्नोत्तरों का क्रम चला और निष्कर्षों को जन जन तक पहुंचाया गया। जो हो रहा है उसको बखानेंगे तो दुनिया को लगता है कि बस यही हो रहा है, उसको देखिए। और मैं कह रहा हूं, पत्रकार अगर जो हो रहा है सिर्फ वही दिखाएगा तो जो होना चाहिए वो कौन दिखाएगा? जो जिस स्वर में अभी उभारा जा रहा है ना कि धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए, इसी कारण जनता में प्रतिदिन आयोजन के प्रति उत्साह बढ़ता ही गया। धर्म के प्रतिगामी स्वरूप के कारण युवा वर्ग अपनी संस्कृति से दूर रहकर भोगवादी भटकाओं में उलझ गया है। उस तेजस्वी वर्ग को भी संस्कृति का विवेक और विज्ञान सम्मत स्वरूप समझाकर उस दिशा में आगे बढ़ाना आवश्यक है। अश्वमेध में साधना से लेकर सेवा तक के कार्यों में युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युवा सम्मेलन में युवा शक्ति को संगठित करके सुसंस्कार संपन्न बनाने तथा रचनात्मक कार्यों में नियोजित करने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मनुजता का दर्द बाकी है, कहीं यह खोजना है। मनुजता का दर्द बाकी है, कहीं यह
है खोजना और उसको शक्ति देने की बनानी योजना है। मानव में देवत्व जगाकर स्वर्ग धरा पर लाना होगा, सद्विवेक अपनाना होगा, सद्विवेक अपनाना होगा। सच्ची राहें खोजना है यदि तो साहस दिखलाना होगा, छोड़ रूढ़ियां या मन मर्जी, छोड़ रूढ़ियां या मन मर्जी, सद्विवेक अपनाना होगा, सद्विवेक अपनाना होगा। लोग प्रवचनशाला में भारी संख्या में उपस्थित हुई। एक बाजू तो आ संस्कृति आ पुण्य धराए महान पुरुषों ने जन्म आप्यो, पछी ये राम होय, कृष्ण होय, बुद्ध होय, गांधी होय, विवेकानंद होय के दयानंद होय, तो बीजी बाजू नारी शक्ति पण पाछड़ रही नथी। आ संस्कृति ना उत्थान माटे नारी शक्ति जे कई कर्यु छे एना शब्दों थी वखाण करी सकवा शक्य नथी। ए माटे समर्पणनी दिव्य शक्ति ज आपणने समर्थ बनावी शके। आजे ए समर्पणनो कोई नमूनो, समर्पणनो कोई आदर्श आपणे जोवू होय तो आपणी सामे बेठो छे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, शास्त्रों में एक कथन आया है, उद्धृत आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादयेत, अपना उद्धार स्वयं कीजिए, अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं कटिबद्ध होइए। जो लोग अपने अपना संबल लेने के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करते उनका उद्धार कोई दूसरा करेगा। अगर ऐसी मान्यता है तो आप इन मान्यताओं को अपने मन से निकाल देना। कोई भी देवी देवता जो अवतारी पुरुष लोगों की सहायता तब तक नहीं कर सकते जब तक आदमी का साहस स्वयं में न जाग जाए। वो तो सिर्फ एक बात बताने आते हैं कि रावण दुष्ट आदमी, दुष्ट आत्माएं बड़ी हो सकती हैं। रावण फूस का बनाया जाता है, इतना बड़ा देखने में विशाल लगता है, लेकिन उस रावण को मारने के लिए कोई बालक भी रामधारी अगर साहस करे तो उस रावण को मार गिरा सकता है। समाज में अनैतिकता बड़ी हो सकती है, देखने में बड़ी लग सकती है, लेकिन सच्चरित्रता और ईमानदारी उससे भी कहीं विशाल है, और उसके अंदर वो शक्ति है, वो साहस है कि वो बड़े से बड़े तूफानों को टकरा सकती है, बड़े से बड़े योद्धाओं को, बड़े से बड़े राक्षसों को रीछ बानर गिरा सकते हैं, और साधारण से गोपाल बालक भी कंस जैसे राक्षस का वध कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में एक कथन है आया है, मन्यु, मन्यु शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। मन्यु का अर्थ साधारणतः क्रोध ले लिया जाता है, लेकिन क्रोध और मन्यु में बहुत अंतर है। मन्यु कहते हैं अनीति के प्रति आक्रोश, अनीति के प्रति आक्रोश जब तक आदमी के अंदर नहीं जाएगा, तब अगर ये साहस जाग जाए तो राजतंत्र की मर्यादाएं सुधरती हुई चली जाए। भाइयों, हमारा अश्वमेध इसी पराक्रम को जगाने के लिए यह है कि हमारे हर नौजवानों में, हमारी हर बहनों में वो साहस जाग जाए, ताकि नए युग का शुभारंभ। ओम शांति।
ગુજરાત પ્રાંતના રાજનીતિ તંત્ર તરફથી ખાસ ખાસ માણસ ઉપસ્થિત છે. તમે બધા ઓળખો છો, મુખ્ય પ્રધાન ચિમનભાઈ પટેલ, શ્રી નરેશભાઈ રાવલ ઉદ્યોગ મંત્રી, અને મોહનસિંહ રાઠોડ વન રાજ્યમંત્રી. અમે બધાના સ્વાગત કરીએ ગાયત્રી પરિવાર તરફથી. અને આ મિશન, ગાયત્રી પરિવારનું મિશન એક જ કામ કરે, માનસનો નિર્માણ કરવાનો કામ, માનવનો માનસ કેવી રીતે સફળ રીતે બની શકે, સમાજનું નિર્માણ સારી રીતે થઈ શકે, અને આત્મનિર્માણથી પરિવાર નિર્માણ, પરિવાર નિર્માણથી સમાજ નિર્માણનો કામ કેવી રીતે સંભવ થઈ શકે, આ પ્રોજેક્ટ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય અને પરમ વંદ્યા માતાજી ભગવતી દેવી શર્મા તરફથી લેવામાં આવ્યો. અને 3 કરોડ માણસ આખા વિશ્વમાં ગાયત્રી અને યજ્ઞ માધ્યમથી આ મિશનના ફોલોઅર છે. ધર્મ અને વિજ્ઞાનનો અદ્ભુત સમન્વય આ મિશનની વિશેષતા છે. અપને આપમે સાંસ્કૃતિક એકતા ઓર અખંડતા કા એક જીતા જાગતા નમૂના હૈ મિશન. ઓર યે એક હી કામ કર રહા હૈ કે હમ ભારત મેં રહેકર ભારત માતા કી જય બોલે. ક્યોંકિ યે મિટ્ટી જો હૈ, ધરતી હમારી માતા હૈ. માતા ભૂમિ હી પુત્ર અહમ પૃથ્વ્યામ, ભૂમિ મેરી માતા હૈ, મેં પૃથ્વી કા પુત્ર હું. ઓર ઇસકે માધ્યમ સે સારા કા સારા મિશન ચલ રહા હૈ કે હમ રાષ્ટ્ર કો સશક્ત સમર્થ સંગઠિત બનાએ. રાષ્ટ્ર કો સમર્થ સશક્ત સંગઠિત બનાને કે લીએ હમે કોઈ કિસી પ્રકાર કે ચમત્કાર કી ઉમ્મીદ નહીં કરના ચાહીએ. ઉપર સે કોઈ ચમત્કાર હોગા, વ્યક્તિ કે મનો કો બદલના હી એકમાત્ર ચમત્કાર હૈ. ઓર ઉસ ચમત્કાર કો કરને કે લીએ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ ને એક અભિયાન ચાલુ કિયા, મેન મેકિંગ ઓડિસી, વ્યક્તિ નિર્માણ અભિયાન, કે હમ વ્યક્તિઓ કો બનાએંગે, વ્યક્તિઓ કે મનો કો બનાએંગે. ઉનકે વંદનીય માતાજી કે જીતે જાગતે ઉદાહરણ કો દેખતે હુએ અનેકો વ્યક્તિ ઉનકે સાથ જુડતે ચલે ગયે. ઓર આજ પઢે લિખે ડોક્ટર્સ, ઇન્જિનિયર્સ, લગભગ એસે વ્યક્તિ જો કે અચ્છી ખાસી તનખા પા રહે થે, સબ છોડ છાડ કર આજ ઇસ કામ કે લીએ મિશન મે લગે હુએ હૈ. ઓર ઇસ સમય જો આપકો ઇતની જનતા દિખાઈ પડ રહી હૈ યહાં પર, યે પૂરે ગુજરાત સે આઈ હુઈ જનતા હૈ, સારે આપકે 19 જિલ્લો સે આઈ હુઈ જનતા હૈ. ઓર યે 19 જિલ્લો સે આઈ હુઈ જનતા ને અપને ઘર સે એક મુઠ્ઠી અન્ન ઓર એક મુઠ્ઠી ધન ઇકઠ્ઠા કરકે ये सारा का सारा मिशन का सारा तंत्र खड़ा किया है. अश्वमेध यज्ञ का जो पूरा पूरा संकल्प पूरा हुआ है, ये मुट्ठी फंड से खड़ा हुआ है. ये एक बहुत बड़ी विशेषता है. मैं राजकोट गया था इस यज्ञ की प्रयाज श्रृंखला के सिलसिले में, तो वहाँ मैंने देखा हमारी बहनों ने, 300 बहनों ने घर घर जाकर 3 महीने के अंदर 100-100 ग्राम घी और 100-100 ग्राम चावल इकट्ठा कर करके पूरा 180 क्विंटल चावल और 151 किलो घी इकट्ठा किया. आप कल्पना कीजिए कितना प्राण होगा उस घी में और चावल में. वो यज्ञ में न डले परंतु उससे कितनी संवेदना जागेगी अंदर से व्यक्ति के, यदि आदमी उसको थोड़ा सा उस भावना को जीवन में उतार ले, देवत्व की भावना को. इस मिशन ने देने की भावना को जगाया है, अंदर से संवेदना जगाई है, करुणा जगाई है, और दूसरों के प्रति जो मन में प्यार होना चाहिए, दूसरों के प्रति जो मन में करुणा होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, वो जगाई है.